China is home to the world's oldest continuous civilization. With over 3,000 years of recorded history, China has maintained its cultural identity. Hello guys and welcome back to another video. तो animation तो आप देख ही चुके हो. इस animation को दो images की मदद से बनाया गया है. ये एक world map की PNG image है और दूसरा ये China map की है. लेकिन एक बात सबसे important याद रखनी है आपने कि जब भी आप map animation बनाओ तो आपने Google से जाकर ये वाली images download नहीं करनी क्योंकि ये बहुत ही बेकार cutout होते हैं. और इन images की मदद से तो आप कभी भी एक perfect map animation बना ही नहीं सकते. मैंने भी try किया था लेकिन नहीं बना पाया. तो यहाँ पे एक वेबसाइट है वी मैप के नाम से. तो यहाँ से ही आपने हमेशा मैप की पीएनजी फाइल्स को डाउनलोड करना है. तो ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये एक अच्छी वेबसाइट है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ. ठीक है, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि यहाँ पर फ्यूजन कंपोजिशन को ड्रैग कर लेना है. इसका ड्यूरेशन आप अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हो. मैं यहाँ पे इसका ड्यूरेशन 10 सेकंड तक रख रहा हूँ. ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और सीधा चले जाना है फ्यूजन पेज पर. यहाँ आने के बाद आपने एक बैकग्राउंड नोड को यहाँ पर एड कर देना है. ठीक है, उसके बाद आपने इस बैकग्राउंड को पकड़ के यहाँ पर ऐसे लाकर छोड़ना है तो आपको ये नजर आने लग जाएगा. पहले तो मैं इस बैकग्राउंड का कलर वगैरह जो है वो चेंज कर लेता हूँ. तो यहाँ पर जहाँ पे सॉलिड कलर लिखा है यहाँ पर मैं 4 कॉर्नर्स कर दूंगा और इन चारों कॉर्नर्स के कलर जो है वो चेंज कर दूंगा. तो मैं ये वाला कलर रख रहा हूँ, आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी रख सकते हो. तो बैकग्राउंड हमारा बन चुका है. इसके बाद मैं ये 3D एलिमेंट्स को ऐड करूंगा क्योंकि ये एक मैप 3D एनिमेशन है. अच्छा, तो यहाँ से आपने इमेज प्लेनर 3D को यहाँ पर ऐड कर देना है और इसको बैकग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देना है. और यहाँ से मर्ज 3D को भी आपने यहाँ पर ऐड कर देना है और इसे भी कनेक्ट कर देना है. और यहाँ से रेंडर 3D को भी आपने ऐड कर देना है और कनेक्ट कर देना है. ठीक है, अच्छा, यहाँ आने के बाद ये जो मीडिया आउट है इसको मैं यहाँ पकड़ कर यहाँ पर ला के छोड़ूंगा तो हमें ये फाइनल आउटपुट है वो नज़र आने लग जाएगी. ठीक है, अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले आपने कैमरा 3D को लेकर आ जाना है और इसे मर्ज 3D के साथ कनेक्ट कर देना है. ठीक है, तो यहाँ मर्ज 3D का लेफ्ट व्यू ऑन करके मैं ये आपको 3D स्क्रीन भी अब नज़र आने लग जाएगी. अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं ये 3D स्पेस में ऐसे फ्रीली मूव कैसे कर पाता हूँ. तो जो माउस का मिडल व्हील होता है उसकी मदद से आप ऐसा कर सकते हो. यहाँ पे कैमरा का जो ब्लू एरो है इसको आपने पकड़ के ऐसे पीछे कर लेना है. ठीक है, जितनी हमें ज़रूरत है यहाँ पर इतना. उसके बाद मैं ये जो बैकग्राउंड के सामने इमेज प्लेनर 3D है इसको सिलेक्ट करूँगा और ट्रांसफॉर्म में जाकर स्केल की मदद से इसका साइज बड़ा कर दूंगा ताकि ये किनारों जो हैं वो प्रॉपर तरीके से ढक जाएँ. ठीक है, इनको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ. ठीक है, अब हमने ये जो वर्ल्ड मैप की PNG फाइल है इसको यहाँ पर लेकर आना है. इसको मैं F2 दबाकर नाम दे देता हूँ वर्ल्ड मैप का. इसके सामने भी इमेज प्लेनर को आपने ऐड करना है और इसे कनेक्ट कर देना है मर्ज 3D के साथ. ठीक है, तो ये अब देखें हमारा जो मैप है वो थोड़ा सा खराब दिख रहा है. तो इसको आपने सही कैसे करना है कि ये इमेज प्लेनर 3D को आपने सिलेक्ट करना है और ट्रांसफॉर्म में जाकर इसकी जो वैल्यू है इसको आपने थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है. ठीक है, बस इतना काफ़ी है. उसके बाद आपने ये चाइना का मैप यहाँ पर लेकर आना है और इसको नाम देना है चाइना का. अच्छा, एक बात जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने लगा हूँ. अब आपने इस चाइना मैप के आगे इमेज प्लेनर 3D को ऐड नहीं करना बल्कि इस चाइना मैप को आपने इस वर्ल्ड मैप के साथ मर्ज करना है. ठीक है, तो यहाँ से मैं पकड़ के इसको इसके साथ मर्ज कर दूंगा. तो देखिए हमारे पास वो मैप नजर आने लग गया है. तो इसको अब मैं एडजस्ट करूंगा. बेसिकली इस चाइना मैप के सामने मैं ये ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करूंगा ऐसे और इसका साइज जो है वो मैं एडजस्ट कर लूंगा. ठीक है, अच्छा, आरजी तौर पर ये जो कैमरा 3D है मैं इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर रहा हूँ. मैं इसको जूम कर रहा हूँ ताकि ये जो मैप है वो आसानी से एडजस्ट कर सकें. इन सारी वैल्यूज़ को हमने बाद में दोबारा से रीसेट कर देना है. अच्छा, मैप एनिमेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है कि आप मैप को प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर पाते हो या नहीं. जो ये कर लेता है वो समझो पूरे मैप की एनिमेशन ही कर लेता है. तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है. और गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें. इस तरह से आपने मैप को एडजस्ट करना है. ठीक है, अब मैं वापस से ये जो कैमरा 3D है इसकी वैल्यूज़ को रीसेट कर देता हूँ. जहाँ पे ये पहले था वहीं पे कर देता हूँ. ठीक है, अच्छा, अब हम कैमरा 3D को एनिमेट करेंगे. तो यहाँ पहले फ्रेम पर आने के बाद आपने कैमरा 3D को सिलेक्ट रखना है और ट्रांसफॉर्म में जाकर इसकी सारी वैल्यूज़ पर की फ्रेम लगा देने. और यहाँ आपको एक छोटा सा बॉक्स दिखेगा यूज टारगेट वाला, इसको भी आपने टिक कर देना है और इसकी तीनों वैल्यूज़ पर भी की फ्रेम लगा देने हैं. उसके बाद मैं कुछ फ्रेम्स आगे आ जाता हूँ लगभग 140 फ्रेम पर और वापस से इन सारी वैल्यूज़ पर की फ्रेम ऐड कर देता हूँ. ठीक है, अच्छा, यहाँ आने के बाद एक इम्पॉर्टेंट काम आपने करना है कि ये जो टारगेट है जो कि आपको छोटा सा स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पर, इसको आपने पकड़ के चाइना मैप के बिल्कुल सेंटर में कर देना है. ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ तो ये आपको रेड कलर का स्क्वायर दिख रहा होगा, इसको आपने चाइना के सेंटर में कर देना है. ठीक है, इस तरह से. अब मैं इनकी वैल्यूज़ को चेंज करता हूँ कैमरा 3D की वैल्यूज़ को.
ये आपने बेसिकली अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही करना होता है, आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा भी आप कैमरा को एनिमेट करना चाहते हो, जैसी भी एनिमेशन देना चाहते हो। अच्छा, यहाँ लास्ट फ्रेम पर आकर भी मैं कुछ इसको एनिमेशन वगैरह थोड़ी सी मोशन दे देता हूँ, ठीक है। तो यह अपने एंगल जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही रखना है। अच्छा गाइज, कैमरा 3D को तो हमने एनिमेट कर लिया है। सबसे पहले तो मैं इन सारे नोड्स को ऐसे सिलेक्ट करके कंट्रोल जी दबाकर ग्रुप बना देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ ये टेक्स्ट नोड ले लेता हूँ, उसको मैं यहाँ ड्रैग कर लेता हूँ और इसके सामने भी इमेज प्लेनर 3D को ऐड कर देता हूँ और इसे कनेक्ट कर देता हूँ मर्ज 3D के साथ, ठीक है। तो जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। तो यहाँ मैं चाइना लिख रहा हूँ, ठीक है, जी के मुताबिक रखते हो। अच्छा, अब आप देखो तो आपको कहीं पर भी वो टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपने इमेज प्लेनर को सिलेक्ट करना है और इसकी जी वैल्यू को चेंज करना है, थोड़ा सा बढ़ाना है, तो आपको जो टेक्स्ट है वो नज़र आने लग जाएगा। इसको पकड़ के सिंपल आपने मैप के ऊपर लेकर आ जाना है यहाँ पर और इसको एडजस्ट कर लेना है जैसे भी आप करना चाहते हो। यहाँ से मैं इसका स्केल थोड़ा सा कम कर देता हूँ, इसकी रोटेशन की जो एक्स वैल्यू है इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और ऐसे यहाँ पर रख देता हूँ बिल्कुल मैप के ऊपर, ठीक है, जितना भी आप करना। उसके बाद आपने इस टेक्स्ट नोड के आगे ड्रॉप शेडो को ऐड करना है थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक देने के लिए। तो यहाँ पर मैं ड्रॉप शेडो ऐड कर देता हूँ। इसका जो ड्रॉप डिस्टेंस है वो आपने काफ़ी बढ़ा देना है और एंगल को बिल्कुल नीचे कर देना है और जो शेडो स्ट्रेंथ है उसको भी थोड़ा फुल कर देना है और जो ब्लर है उसको थोड़ा सा कम कर देना है, ठीक है। तो ये अब थोड़ा सा रियलिस्टिक लग रहा है, ठीक है। अब हमारा मेन काम है इस एनिमेशन को स्मूथ करने का। तो यहाँ स्पलाइन में जाने के बाद आपने कैमरा 3D को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस छोटे से आइकन पे आप क्लिक करोगे तो आपको सारे की फ्रेम नज़र आ जाएंगे। तो इन सारों को आपने सिलेक्ट करके F दबाना है, उसके बाद आपने T दबाना है तो आपको सामने ईज इन और ईज आउट की वैल्यूज आ जाएंगी। तो ईज इन की वैल्यू आपने बढ़ाकर लगभग 90 तक कर देनी है, ठीक है। तो हमारी एनिमेशन जो है वो स्मूथ हो चुकी है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट काम एक और भी है, वो है इस रेंडर 3D के सामने सॉफ्ट ग्लो को ऐड करना। तो यहाँ पर मैं सॉफ्ट ग्लो को ऐड कर देता हूँ, इसका थ्रेशोल्ड मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ग्लो गेन थोड़ा सा कम कर देता हूँ और इसको भी थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी मैप एनिमेशन जो है वो क्रिएट हो चुकी है। ये टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूँ, ये सही नहीं है। अच्छा गाइज, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ वीडियोज़ में क्या होता है कि मैप की जगह पर फ्लैग मूव कर रहा होता है जो कि काफ़ी प्यारा लगता है। तो आपने फ्लैग की जो वीडियो है वो कहीं से भी डाउनलोड कर लेनी है, जैसा कि ये मेरे पास पड़ी है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा कि इस टेक्स्ट नोड को पहले तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ और ये जो ग्रुप हमने बनाया था इसको मैं वापस से अनग्रुप कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये जो चाइना का मैप है और ट्रांसफॉर्म नोड है इसको मैं पकड़ के ऐसे पीछे कर दूंगा और इस मर्ज को आगे कर दूंगा और यहाँ ऑल्ट दबाकर एक RG पॉइंट बना लूंगा, ठीक है, यहाँ पर। अब मैं इस ये जो वीडियो है हमारी फ्लैग वाली इसको पकड़ के इस चाइना मैप के सामने ऐसे मर्ज कर दूंगा, ठीक है। अब देखें, हमें ये फ्लैग कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा, वो इसलिए क्योंकि इस फ्लैग की जो वीडियो ड्यूरेशन है वो कम है। तो यहाँ से मैं लूप का जो बटन है उसको ऑन कर देता हूँ तो हमें ये फ्लैग नज़र आने लग जाएगा। ये साइज़ में काफ़ी बड़ा है तो इसके मर्ज को मैं सिलेक्ट करके इसका साइज़ जो है वो मैप के जितना कर लेता हूँ, जितना हमारा ये मैप है। तो ये हमारा मैप जो है कवर हो गया। उसके बाद ये जो मर्ज 2 है उसको आपने सिलेक्ट ही रखना है और ऑपरेटर मोड में ओवर की जगह पे अटॉप कर देना है तो हमारा ये जो फ्लैग वाला एनिमेशन है वो भी बन जाएगा, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं इसका जो रेजोल्यूशन है वो कम कर रहा हूँ ताकि एनिमेशन प्ले होने में आसानी हो, ठीक है। तो ऐसी बनी है हमारी एनिमेशन जो कि बहुत ही कमाल की एनिमेशन है, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि डाविंची रिजॉल्व में मैप एनिमेशन बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।